श्रेष्ठ नाम है भोगपुर, उन भोगपुर में ये खंड गांव उमर थाम भी है, ये खंड गांव हाथी थाम भी है, ये खंड गांव बड़काटन भी है। ये हम तीन चार छोटे मोटे मूल ग्राम सभा नाम है भोगपुर। भोगपुर में हम लोग 1960 में विस्थापन हुए ना, ये गंगा भोगपुर में बसा। तो ये परेशानी वो परेशानी कि बहुत ज्यादा भूस्खलन वहाँ है। घरेलू भाषा में अगर बोलवा तो पैर पड़ना रहे लोग, पैर पड़ने कारण से डर भोग नहीं है कि पता नहीं आजकल जगह जगह जन अखबार में फड़ियान के साथ फलन जगह गई थी गाँव दब गए ना पैर पड़ी करना तो तनि वो पैर पड़ना रहे, हमारे सब भूमि कटाव होना रही। ये कारण से मतलब एक बार एक जो खाद्य मंत्री वन मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में स्वर्गीय जगमोहन सिंह नेगी जी रहे ना, जगमोहन सिंह नेगी जी ना हम लोग बताई एक 32 गांव सर्वे हुए थे कि 32 गांव था ये कौड़े बसैन से, लेकिन 31 गांव नाना प्रकार के शर्त जोड़ दी ना और हम लोग अगर कूड़ियों पर सबल डाले कर बगैर कई प्रकार का कूड़ी में जब जो दे नाप के तो बच्चे तो नाप के हम था एक नीत ये हमारे बहुत विकट जीवन है, ना तो पेयजल की कोई सुविधा छे, ना सिंचाई की सुविधा छे, ना स्कूल छे, ना कोई पोस्ट ऑफिस है या कई भी प्रकार की कोई सुविधा चाहिए ना, जिनके जंगली जीवन कोल भिलुक्ष जीवन हमारे पूर्वज वह जीन छे। ये हमारे विकास तब शुरू वहाँ के सहत्र में जब विकास की लहर पहले तो पूरी देश में चल, अन्यथा हम हमारे क्षेत्र में जब यह शक्ति नहीं है कुल तब की दिहाड़ी मजदूरी को एक रोजगार खुल है कार्य जिना बैराज पूर्ण से चंडीघाट पूर्ण से तब हम लोगों को विकास वैसे पहले हम लोगों बहुत बुरी तरह से इतना कठिन जीवन है जो कुल भिलुक्ष जीवन है। उबारी ये गाँव हाँ वो एक गाँव तो मतलब करीबन 1 किलोमीटर की दूरी बन छे पाए। अच्छा तो मूल स्रोत है पहाड़ का, जो स्रोत जो बात है हम नाव पर यह निगर है बासमान नाव पर लगन पर वो नाव थी वो पानी दिक्कत है, पानी दिक्कत ये कह गन जब हम शुरू शुरू में 5-7 साल जब तक पेयजल की कोई सुविधा नहीं हुई तब अर्थ एक दिक्कत वो तो नीचे दिक्कत एक घर बासों में बोल दो मुड़चोड़ बड़े नान से हम लोग और बरसात में क्या वहाँ से कि बरसात में वो दल दल भजान से बहुत ज़्यादा तो हमारे जो पुल बनाई थी घर भाषा में देखकर हम पुल बोलो कच्ची पुल तो कच्ची पुल पर जो कोद पाड़ आँच है नदी में जो आप लोग दिख रहे हो कोद पाड़ते हैं हम पहले बड़े भाण पर भर दिया बड़े भाण पर फिटकरी डाल देकर तब जरा कुछ साफ हो तब हम अपने पिए जल बल्टूंगल वगैरह रोमन वगैरह पानी तब भर लेते तब हम अपने जीवन जीत जाए ये जीव इच्छा सिंचाई कोई साधन नहीं है हम लोगों ने अब मेहनत से ही अब सिंचाई नहर को वगैरह को शुरू शुरू में बाद में तो सिंचाई विभाग के देवे नगर पक्की पर शुरू शुरू में हम लोगों की जीवन जनाब बोलना चाहो कि पास जब हमारे स्कूल से जो 1965 में बढ़ा रहा आप 1960 में शुरू है ना पर विधिवत बंटवारा भाई बंटवारा जब बोल सरकार रिकॉर्ड में 1965 में 1965 हम लोग मतलब है कि एक नाम तो गंगा भोगपुर बुढ़े भोगपुर गाँव ले नाच हुआ ये गंगा नजदीक बसी हुआ था ये गाँव नाम गंगा भोगपुर वही है। वो बारे शुरू शुरू में छप्पर बने हैं ना जी अभी छप्पर पर हमारे विद्यालय चल रहे थे जो जगह प्राथमिक विद्यालय का भवन थे वो भीतर द्वि कमरा बरामदा वो हम लोगों ने पर श्रमदान से निर्मित है। तो जब दूसरा छप्पर है ना तो आग लग आग। हाथी डर कारण से आज तो सब अपरा पर खेत में छप्पर अपरा आवास बने लेकिन ओवर एन हो जाएगी सब हाथी डर कारण से एक जगह में छप्पर एक जगह छप्पर अगर एक छप्पर में आग लग गया तो बुरी जीवन मतलब महिला जो पेटकोट में पड़ी है तो पेटकोटी में रहेगी ना सब से सब चीज़ जल गया घर गौशाला में जो पशु भित्र बने तो गौशाला में जानवर बने जल गए ना बहुत विकट जीवन जी वह हमारे पूर्वज पर बस मेहनत का फल आज हम लोग पकड़ा था कि आज हम मतलब है कि बाजार से जुड़ी हुआ जब बैराज नहीं है तो ऋषिकेश का कंजा आ जाए चंडीघाट में पुल नहीं है तो हम हरिद्वार का कंजा आ जाए तो कुल भिलुक्ष जीवन है कि जो गर्म चाय से नहीं बरसात अपन जो कुछ भी धन माचिस भी अगर खत्म हो गया तो माचिस अपन भी कग जान थे सब चीज़ हम लोग मतलब पहले अपन बरसात अपन इकट्ठी कर धर दी थी। 1965 की मकान जो दिखा ना जब 65 दिन भाई बंटवारा हुई हम रजिस्टर्ड गाँव हुई वहाँ तब 65 भी बन शुरू हुई तो वह गाँव में मुश्किल से 4-5-6 मकान बन से बकाए लोग मतलब छपरी पर जीवन यापन कर अच्छा तो पहले केन बना है पहला बस सीमेंट का घर केन बना उदाहरण आप हमारे पिताजी स्वर्गीय बरिदा जी हमारे पिताजी नाम से उन्होंने बनाए थे आप और पड़ोस हम भाई पूरण सिंह जी पिताजी तो घर बने थे और 1-2 साल बाद आपको जो बूढ़दा छन स्वर्गीय बंजराम जी नाम से सुनवल ऊन बनाए थे तो वह मुश्किल से गाँव में 5-7
गांव भर में सबसे ज्यादा लंबा सुबह छह साढ़े छह फुट लंबा। ठीक, धन्यवाद।